दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक खास तरह की जानकारी लेकर आया हूं। इसमें आपको बहुत ही रोचक जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों किसी के साथ खाना खाते वक्त क्या आपको उस व्यक्ति के खाना चबाने और निकलने के साउंड से इरिटेशन होती है, या फिर किसी तरह की टक टक आदि की आवाज़ से आप विचलित हो जाते हैं? दोस्तों आपको बता दें कि इसे मिसोफोनिया कहते हैं। यह एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है। जिस व्यक्ति को यह होता है उसका दिमाग इन सब साउंड को बहुत ही जल्दी कैच कर लेता है और फिर उसका फोकस वहीं बना रहता है। इसमें आप अकेले नहीं है। एक शोध में रिसर्च के लिए इसमें 42 लोगों को शामिल किया गया, जिसमें से 22 लोगों में यह लक्षण पाया गया। हालांकि दोस्तों हाल में हुई स्टडी में मिसोफोनिया होने का कोई वैज्ञानिक कारण अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ इससे ग्रसित व्यक्ति में कुछ खास तरह के लक्षण पाए जाते हैं, जिससे व्यक्ति को इन आवाजों से गुस्सा या चिड़चिड़ाहट होने लगती है, जिससे वह विचलित होने लगता है। जैसे कि किसी के चबाने की ध्वनि, किसी चीज को निगलने की ध्वनि, किसी के सांस लेने और खर्राटे की आवाज, पेन के क्लिक करने की आवाज, घड़ी की सुई की आवाज, किसी चीज को चाटने की आवाज, कलम को खटखटाना, पैरों को घसीटना, कीबोर्ड की आवाज, किसी के खांसने, जम्हाई, छींकने आदि की ध्वनि, किसी चीज के घसने की आवाज, पानी के टपकने और किसी के गटकने की ध्वनि, सीटी की ध्वनि, दांतों के पीसने और किटकिटाने की आवाज, डकार लेने की ध्वनि, बर्तन आदि गिरने की आवाज। दोस्तों ऐसे बहुत से लक्षण देखे गए हैं। मिसोफोनिया से पीड़ित व्यक्ति के अंदर कई मौकों पर देखा गया है कि इन सब चीजों से परेशान होकर व्यक्ति गुस्सा भी हो जाता है और कुछ अलग व्यवहार करने लगता है। ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति आवाज से कहीं दूर एकांत में चला जाता है। आवाज खत्म होने पर व्यक्ति फिर सामान्य हो जाता है। दोस्तों इस तरह की परेशानी होने पर आप मनोचिकित्सक से मिल सकते हैं, वह आपको इसके लिए अच्छी सलाह देंगे। दोस्तों यह रोचक जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।